अच्छा, तो वो तीनों उस लंगड़े के खून की तलाश में है। कोई भी बस्ती वाला मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे की मौत को देखकर अपनी जिंदगी से प्यार बढ़ जाता है। भाई, ब्रिजवासी ने भी हफ्ता देने से इनकार कर दिया। ब्रिजवासी? बाबलिया की हस्ती इस बस्ती में इतनी सस्ती नहीं कि ब्रिजवासी जैसे लोग अपनी औकात भूल जाएं। उससे कहना कि कल बाबलिया ने उसको मुलाकात के लिए बुलाया है। भाई, उन तीनों का क्या होगा? उन तीनों का? तू बस्ती में वापिस जा और अपने आदमियों से कहकर उन पर कड़ी नजर रखवा। उन्हें तो मैं बाहर आके बताऊंगा कि मौत का नया नाम। पापा, देखो कितने सारे बिस्किट हैं, क्रीम वाले, मीठे वाले। चलो आप भी खाओ। ये तो कहाँ से लेकर आया? सलीम भाई ने दिलाए। तू गैराज पर गया था? तूने उनसे खाने को मांगा? सलीम भाई, ये सब आपने दिलाए थे ना, हमने नहीं मांगे थे ना। जी हाँ, ये बिस्किट्स मैंने इन्हें दिलाए। क्यों? मेजर आनंद के रिश्ते से क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं इस बच्चे को बिस्किट्स दिला सकूं? और ये सामान, इसे लाने का हक किसने दिया? ये मैं अपनी मर्जी से लाया। गरीबों के भूख का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, भूख खुद एक इम्तिहान होती है। आप ये सामान ले जाइए और उन लोगों में बांट दीजिए जिनका सर अपने पेट के आगे झुक गया हो। कम से कम इस मुन्ने का तो ख्याल कीजिए। जब से मेरी नौकरी छूटी है, इसे भूखे सोने की आदत हो गई है। अब फाके से दिन काटने की भी आदत हो जाएगी। कहाँ नौकरी करती थी आप? मेजर साहब के पास, गैरेज का हिसाब, उनका खाना पीना सब मैं ही देखती थी। इतनी बातें हो गई और काम की बात आप अब बता रही हैं। मेजर साहब अकेले आदमी थे और अब हम हो गए हैं तीन आदमी, इसलिए आपकी तनख्वाह भी तीन गुना ज्यादा। मगर एक शर्त है, खाना अच्छा होना चाहिए। मगर आप? मगर वगर कुछ नहीं, आपकी नौकरी पक्की। क्यों मुन्ने मियां, पक्की ना?